ऑल, आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर हिस्ट्री क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग थिंकर्स के बारे में, अलग अलग जो बिलीव्स होते थे लोगों के उनके बारे में, और अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई उनके बारे में। कौन से टाइम पीरियड के बीच में? 600 BCE के टाइम पीरियड पे आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 1 कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी। यानी कि इस चैप्टर में हम एक लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, और किसके बारे में पढ़ेंगे? फिलोसोफर्स एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिटेड। यानी कि फिलोसोफर्स का क्या व्यू पॉइंट था इस वर्ल्ड के बारे में, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। We will also see how their ideas were compiled as oral and written texts. यानी कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो philosophers थे और thinkers थे, उनके ideas को oral form में और written form में कैसे compile किया गया, as well as expressed in architecture and sculpture, और जो उनके ideas के बारे में अलग अलग architectures में, अलग अलग sculptures में बताया गया है, वो कैसे compile हुआ। While we will be focusing on Buddhism, यानी कि इस चैप्टर में हम और किस पे फोकस करने वाले हैं? बुद्धिज्म के ऊपर। It is important to remember that this tradition did not develop in isolation. उसके साथ साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था वो आइसोलेशन यानी कि सिर्फ अकेले डेवलप नहीं हुआ। There were several other traditions, यानी कि बुद्धिज्म के साथ साथ और अलग अलग traditions भी डेवलप हुए। Each engaged in debates and dialogues, जिन पे बहुत सारी debates हुई with the others, among the best preserved monuments of the time. उसके अलावा हम monuments के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सांची स्तूप at सांची, which is a major focus in this chapter. यानी कि सांची स्तूप हमारे इस chapter का major focus रहने वाला है. So let's get started with the chapter. सबसे पहले हम start करेंगे सांची स्तूप की एक glimpse, यानी कि एक झलक लेंगे कि कैसा सांची स्तूप है। The most wonderful ancient buildings in the state of Bhopal, यानी कि कहाँ situated है? भोपाल में, are at Sachi, Kanakheda. अब Kanakheda क्या है? Kanakheda is a small village under the brow of hill, some 20 miles northeast of Bhopal. यानी कि भोपाल में northeastern side की तरफ एक छोटा सा village है, जिसका क्या name है? Kanakheda. It contains the stone sculptures. Kanakheda में क्या है? Stone sculptures हैं. उसके अलावा statues हैं, किसके? बुद्धा के, एंड एंशिएंट गेटवे। द रुइंस अपीयर टू बी, यानी कि अब जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड हो चुके हैं, इसलिए उनको रुइंस कहा गया है। अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट, यानी कि जो यूरोपियन जेंटलमैन थे, जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, अब कौन थे वो यूरोपियन? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम स्टेड सेवरल वीक्स इन दिस नेबरहुड। वो बहुत टाइम तक इस जगह में रहे और उन्होंने एग्जामिन किया इन रुइंस को, इस जगह की जो रुइंस यानी कि जो बिट्स एंड पीसेस वहां पे उस बिल्डिंग के पड़े हुए थे, बिखरे हुए, उनको एग्जामिन करने की उन्होंने कोशिश करी कि उन्होंने, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। He took drawings of the place. अब उन्होंने क्या किया? उस जगह की drawings बनाई, deciphered the inscriptions. Deciphered मतलब decode किया वहाँ से मिलने वाले inscriptions को, and bored shafts down these domes. The results of his investigation were described by him in an English work. और एक English work में उन्होंने जो भी उनके decipher जो उन्होंने किया था उसके results से उन्होंने उसको describe किया है। 19th century Europeans were very interested in the stupa of Sachi, yani ki jo 19th century ke Europeans the wo Sachi stoop mein bahut zyada interested the. The rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of the ancient site, yani ki iske ilawa jo Bhopal ke alag alag rulers rahe unhone time to time funding kari taki Sachi stoop ki proper maintenance हो सके। The discovery of Sachi has vastly transformed our understanding of early Buddhism, यानी कि जो हमारी अब तक thinking रही है Buddhism को लेके, उसको बहुत ज़्यादा transform करने में मदद करी है, किसने? Sachi ने। There is a fascinating story that we can uncover at Sachi, यानी कि एक बहुत fascinating story है जो Sachi में सुनने को मिलती है, which we must combine information from texts,
जिसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, टेक्स्ट से, स्कल्पचर से, आर्किटेक्चर से और वहां पे मिली हुई इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कि सैक्रिफाइसेस और डिबेट्स कैसे होते थे। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इज ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो मिड फर्स्ट मिलेनियम का टाइम है वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है हिस्ट्री में। क्यों? इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स, बिकॉज़ इस टाइम पे बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे ऐसे लोगों की जो है, बहुत सारे ऐसे लोग सामने आने लगे जो कि फिलोसफिकल थे बहुत ज्यादा, जैसे कि ज़ाराथुस्त्रा इन ईरान, कोंगज़िन इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस एंड महावीरा एंड गौतम बुद्ध, जो कि कहां से थे, इंडिया से। They tried to understand, अब ये जितने भी thinkers थे, इन्होंने क्या किया? उन्होंने समझने की कोशिश करी, mysteries जानने की कोशिश करी, किसकी? Of the existence and the relationship between human beings and cosmic order, यानी कि जो human beings हैं और ये जो cosmic order है, यानी कि ये जो universe है, इसके बीच में क्या relationship है, इसको जानने की इन सभी thinkers ने कोशिश करी। This was also the time when new kingdoms and cities were developing, और इसी time period में, यानी कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के टाइम पीरियड में बहुत सारी न्यू किंगडम सामने आई, वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है लोगों की, जो कि गंगा वैली के पास रहते थे, उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी। दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल, और इन सभी थिंकर्स ने इन डेवलपमेंट्स, इन चेंजेस को समझने की कोशिश की है, एक अटेम्प्ट किया है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन क्या था, यानी कि सैक्रिफाइसेस इस टाइम पे क्या कैसे दिए जाते थे और उनके पीछे जो बिलीफ था वो क्या होता था। देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, यानी कि पहले से ही बहुत सारे थॉट्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डाइटीज, यानी कि ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स यानी कि मंत्र हैं जिनमें प्रेज की गई है डाइटीज, यानी कि अलग अलग देवियों की, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। उनमें से कौन है? अग्नि, इंद्र और सोमा। मेनी ऑफ दीज हिम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, यानी कि इसमें से ज्यादा हिम्स या फिर भजन जिनको हम कहते हैं वो किस टाइम गाए जाते थे, जब कोई सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब कोई बलि दी जा रही होती थी, वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एटसेट्रा। और उस टाइम पे लोग किन किन चीजों के लिए प्रे करते थे गॉड से? कैटल के लिए, सन्स के लिए, गुड हेल्थ के लिए अपनी, और इसके अलावा अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म कलेक्टिवली, यानी कि स्टार्टिंग में जो सैक्रिफाइसेस हैं वो कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन लेटर 1000 BCE से 500 BCE के आते आते some were performed by the heads of the household, यानी कि पहले पूरी फैमिली मिल के सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करती थी, लेकिन आते आते as with the period of time सिर्फ जो हेड होते थे, जो members होते थे, जो हेड ऑफ द फैमिली कहलाते थे, वही इन सैक्रिफाइसेस में पार्ट लेने लगे फॉर द वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। डोमेस्टिक यूनिट मतलब अपने घर की वेलबींग के लिए। मोर एलैबोरेट सैक्रिफाइसेस सच एज द राजा सूया एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय द चीफ्स एंड किंग्स। उसके अलावा जो ऐसे सैक्रिफाइसेस होते थे जिनमें बहुत टाइम लगता था या बहुत एलैबोरेटेड और या फिर जिनमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होती थी, उनको कौन परफॉर्म करता था? चीफ्स और किंग्स, जैसे कि राजा सूया या फिर अश्वमेधा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हु डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मण प्रीस्ट। और वो किसकी हेल्प लेते थे इन सैक्रिफाइसेस में? जो अलग अलग रिचुअल्स इन्वॉल्व होते थे उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो ब्राह्मण प्रीस्ट की मदद लेते थे टू कंडक्ट द रिचुअल। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कि क्या न्यू क्वेश्चंस और अराइज हुए टाइम के साथ। मेनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद्स शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता था वो क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ वी आर लिविंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद लाइफ है या नहीं, ये जानने के लिए लोग क्यूरियस थे। इसके अलावा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी डालता था। वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस? इसके अलावा रीबर्थ का क्या कनेक्शन है हमारे पास्ट एक्शन से, ये जानने के लिए भी लोग क्यूरियस थे। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड, थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। उसके अलावा जो अलग अलग थिंकर्स थे वो किसको जानने की कोशिश कर रहे थे? अल्टीमेट रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे थे। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर और नॉट देयर वर
देयर इवन वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियालिटी, यानी कि कुछ जो थिंकर्स थे वो क्या जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में कोई अल्टीमेट रियालिटी, अल्टीमेट रियालिटी मतलब एक अल्टीमेट जो रियल फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं. पीपल ऑल्सो बिगैन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन. उसके अलावा जो हमने जैसे मैंने बताया उस टाइम पे सैक्रिफाइस यानी कि बलि देने की प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी, तो लोग उस पर भी क्वेश्चन करने लगे कि क्या इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है भी या नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो उस टाइम पे अराइज हुए. वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स, यानी कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनसे बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस के बारे में भी हमें पता लगता है. विच मेंशन एज मेनी एज 64 सेक्ट एंड स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि उस टाइम पे 64 स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते थे. स्कूल ऑफ थॉट मतलब नोशन ऑफ थॉट, नॉट फिजिकल स्कूल ऑफ थॉट बट दी नोशंस ऑफ थॉट्स को यहाँ स्कूल ऑफ थॉट कहा गया है. टीचर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो उस टाइम पे टीचर्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और क्या जानने की कोशिश करते थे, ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी, यानी कि ले पर्सन मतलब जो कॉमन पीपल होते थे उनसे ये जानने की कोशिश करते थे कि क्या उनकी फिलोसफी सही है और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड, और उनका नजरिया जानने की कोशिश करते थे कि वो किस पर्सपेक्टिव से इस वर्ल्ड को देखते हैं. डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुटागरशाला. कुटागरशाला क्या था, अपॉइंटेड हट, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, यानी कि एक हट होती थी झोपड़ी जिसकी एक पॉइंटेड रूफ होती थी उसको कुटागरशाला कहा जाता था. और इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स हॉल्टेड इफ अ फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, यानी कि अब क्या माना जाता था कि जो एक फिलोसोफर है अगर वो अपने किसी राइवल को कन्विंस कर ले, the followers of the latter also become his disciples, तो उसके rivals के जो followers होंगे वो भी उस person के disciples, disciples यानी भक्त या फिर students भी आप बोल सकते हैं बन जाते थे. so support for any particular sect could grow and shrink over time, तो इसी manner में आप किसी को influence करके अपनी philosophy से support gain कर सकते थे. उसके अलावा अगर लोगों का आपकी फिलॉसफी पे से विश्वास उठ जाता था तो जो सपोर्ट होता था उसको वो भी श्रिंक हो जाता था. मेनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग महावीरा एंड द बुद्धा, यानी कि उस टाइम पे कौन टीचर्स थे, महावीरा और बुद्धा, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, जिन्होंने किसको क्वेश्चन किया, वेदास की अथॉरिटी को, वेदास की सिग्निफिकेंस को कि क्या ये एक्चुअल में जो बताते हैं वो सब सच है भी या नहीं. दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसीज, यानी कि उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल एजेंसीज को एम्फसाइज किया, सजेस्टिंग इंडिविजुअल एजेंसीज जैसे कि मेन और वुमेन, सजेस्टिंग दैट मेन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से क्या मिल सकता है, सालवेशन, सालवेशन यानी कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताते थे जिसको लिबरेशन भी कहा जाता था. एंड आई होप आपको हमारी ये आज की क्लास पसंद आई होगी. लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ. हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए. इसी के साथ हमारा जो पार्ट वन था थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का वहीं पे खत्म होता है. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे द वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद, यानी कि जो हमारे उपनिषद हैं उनमें से कुछ वर्सेज यानी कि पैराग्राफ्स के बारे में. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.